स्वागत है दोस्तों मेरे इलेक्ट्रिकल चैनल बालाजी ईएलई में। चलो आज हम चलेंगे वॉशिंग मशीन की किसी रिपेयर करवाने हैं दोस्तों, तो हम सुबह सुबह उठा लेते हैं अपना सारा सामान टूल बैग तैयार कर लेते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं हम रिपेयर करने की तरफ। चलो हमने अपनी एक्टिवा को उठा लिया है और काफ़ी ठंड हो रही है दोस्तों, देखो धुंध भी दिख रही होगी आपको, धुंध भी काफ़ी बड़ी है। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों 9 बजे के करीब में और हम चल दिए दोनों गुरु चेले। चलो तो हम रोड को चल रहे हैं थोड़ा खेतों में, देखो दोस्तों काफ़ी आग जली हुई है, कुछ लोग आग जला के बैठे हुए हैं, फिर भी हम चलते रहे। एक साइड खेत थे एक साइड घर थे दोस्तों, तो हमें कस्टमर का सुबह सुबह फ़ोन आया था कि कंप्लेंट करनी है वॉशिंग मशीन हमारी चल नहीं रही है, तो आके एक बार देख लें। चलो हम पहुँच गए हैं घर के उसके आसपास में दोस्तों, ये उनका घर है। चलो ऊपर चलते हैं हम जाके देख लेते हैं। मशीन के पास पहुंच गए, मशीन को खोला हमने सबसे पहले, खोलने के बाद बताया दोस्तों उन्होंने कि जो सूखा इसकी धोने वाली मोटर वो चल नहीं रही है। तो हमने अंदर देखा, जाम तो नहीं है मोटर को, अपने हाथों से हल्का सा से धक्का मार के देख लिया, फिर ऊपर टाइमर से भी चलाया, देखो आवाज़ तो आ रही है पर चल नहीं रही है। तो हमने देखा खोलने के बाद इसकी पूरी बॉडी को खोल के हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये मोटर ऐसे नहीं निकलती है, काफ़ी अंदर होती है। देखो जाम नहीं है ये, हमने घुमा के भी देख ली, इसे दोनों साइड घुमा के देखिए जाम नहीं है मोटर, मतलब मोटर में पानी गया हुआ है जिस कारण से ये बंद है। तो हमने सोचा इसके पहले वायर चेक कर ले, कहीं वायर ना कटे वो दिक्कत हो, तो पहले चलो हम इसके वायर हटा लेते हैं फिर मोटर को बाहर ही निकाल लेते हैं। ये तीन वायर काट लेंगे इसके, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट चक्कर होते हैं, दोनों चक्करों को काट लिया और मेन तार को भी काट लेंगे, मेन तार तीनों तारों को काट के निकाल लिया। देखो हमने इसकी बाडी को अलग करा, बाडी के सारी नट खोल लिए हैं, अब हम इसके अंदर की जो मोटर है इस मोटर को निकाल लेंगे धोने वाली को। ठीक है दोस्तों, धोने वाली मोटर को निकाल लेंगे क्योंकि जो इसकी वास की मोटर है वो ख़राब हो चुकी है, दिख रही है आपको। चलो हमने इसकी मोटर बाहर निकाल ली है, अब हम मोटर निकाल के अब नई मोटर ला के इसमें डाल देंगे, सेम इसी तरीके से डालनी है जैसे हमने इसे निकाल ली है, सेम वायर कनेक्शन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलो हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया।